दोस्तों, हम सबके लिए खुशखबरी है कि कोरोना का टीका लॉन्च हो गया है। रूस ने कोरोना का टीका पहली बार लॉन्च किया है। राष्ट्रपति पुतिन ने बोले हैं कि ये टीका पहली बार उनके बेटी पे प्रयोग किया गया है, लेकिन अभी तक WHO ने इसका पुष्टि नहीं की है, क्योंकि इसका तीसरा चरण का टेस्ट अभी बाकी है। तीसरा चरण का टेस्ट किए बिना रशिया को ये टीका नहीं लॉन्च करना चाहिए, लेकिन रशिया बोल रहा है कि जो भी इसका टेस्ट है सारा काम हो चुका है। अगर हो चुका है तो हम लोग खुश नसीब है कि अब कोरोना से कोई भी मरेगा नहीं। ठीक है, थैंक यू। अब देखते हैं कोरोना का टीका लॉन्च कैसे हुआ। अगर आप अभी तक YouTube चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियो मिलती रहे। और कृपया इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि कोरोना का टीका एक्चुअली है क्या। दोस्तों, आप सबको पता होगा चीन की वुहान शहर से 2019 दिसंबर से शुरू हुई कोरोना आज सारा विश्व में फैल चुका है। टोटल अभी तक सारा विश्व में 2,14,00,000 करीब लोग इफेक्टेड हो चुके हैं। इसमें से 7,65,000 लोगों की डेथ हो चुकी है। रिकवरी रेट भी अच्छा है, क्योंकि इसमें 1,42,00,000 लोग अभी रिकवर हो गए हैं। फिर भी बहुत सारा केस अभी बाकी है। दोस्तों, टीका का जरूरी इसीलिए है कि ये बीमारी बहुत जल्दी जल्दी फैल रहा है। एक आदमी स्टडी बताता है कि 200 लोगों को तक संक्रमित करता है। हम सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क सब यूज़ करते हैं, फिर भी ये बीमारी धीरे 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 बढ़ते रहता है। तो आज सारा दुनिया की सारे बड़े बड़े देश, अमेरिका, इटली, जापान, सब चाइना, सब इसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे इसका वैक्सीन निकले और ये बीमारी कितना जल्दी दुनिया से जाए। तो अभी एक चौंकाने वाला बात आ गया है कि राष्ट्रपति पुतिन ने अभी बोल दिए हैं कि उनका कंट्री रशिया पहला वैक्सीन कोरोना का बना चुका है। और ये दावे के साथ बोलते हैं कि इसका जितना भी टेस्ट है अभी ख़त्म हो गया है। आपको मालूम होना चाहिए कि वैक्सीन का तीन चरण का टेस्ट होता है, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज एंड थर्ड फेज। WHO का कहना है कि अभी तक थर्ड फेज का टेस्ट अभी रशिया नहीं किया है, लेकिन पुतिन बताते हैं कि अभी तक इसका सारा टेस्ट हो चुका है। और सबसे पहले ये चौंकाने वाला बात है कि पुतिन की बेटी को ये टीका, फर्स्ट टीका दिया गया है। ऐसे तो पुतिन के दो बेटी हैं, लेकिन ये रहस्यमय परिवार का बहुत सारा चीज़ सामने में नहीं आता है। किस बेटी को टीका लगा है अभी तक वो भी पता नहीं है, लेकिन पुतिन बोलते हैं कि हमारा टीका अच्छा है और 20 कंट्री से हमको ऑर्डर भी मिल चुका है। अच्छा बात है, अगर उनका टीका काम कर जाता है, सब इसमें अगर रिकवर कर जाते हैं, तो दुनिया में ये जो मौत का सिलसिला है ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि जल्दी से जल्दी इंडिया में भी इसका टीका निकले और हम सब स्वस्थ हो। और आप सबसे गुजारिश है कि घर में रहे, स्वस्थ रहे, मास्क पहने और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें। ठीक है, थैंक यू। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और अभी तक आप इस वीडियो के को अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।